टाइप का जो हम रेगुलर जो टैंक बनाते हैं उससे कुछ हटके टैंक बनाने का इस टाइम में हमें तो टोटल आपको मैं वीडियो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे रेगुलर टैंक से इसके शेप थोड़े से चेंज होते हैं। तो जैसा कि हमने इससे पहले आप सभी को पता है कि टावर टैंक में हमने तो किस टाइप से टावर टैंक को ग्लास को बनाया जाता है देखा था, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जैसा कि हमारा जो पहले बनाया हुआ ये वाला जो हमें तो देख सकते कि टावर टैंक मेकिंग करने का वीडियो मैंने घर पे किस टाइप से हम आपको ये टैंक हम घर पे पेस्ट कर सकते ग्लासेस मार्केट से लाकर, तो वो हमने पहले इससे पहले वीडियो में बताए है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि ये वाला जो एक्वेरियम है इस एक्वेरियम को ये टावर टैंक के टाइप में इसको नीचे से बॉटम प्लेट ऊपर से टॉप और इसके अंदर साइड से किस टाइप से हमें तो किस कौन सी कलर की बॉर्डर लगाएंगे तो हमारा टैंक किस टाइप से अच्छा दिखेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे है तो इसका जो कवर है तो ऊपर का टॉप कवर है थोड़ा सा सिंपल और बहुत इजी और स्टैंडर्ड कैसा बनाना है वो देखेंगे। यहाँ पर हमें है तो एक्वेरियम का ये हमारा टावर एक्वेरियम का टॉप बनाने के लिए लगने वाली जो चीजें हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं कि इसकी जो साइज है लगभग मैं आपको एक बार बता दूं कि 9 इंच का है तो विड्थ है और लेंथ भी इसकी 9 इंच की है, हाइट है तो 2 फीट की है। तो यहाँ पर हम जो कवर बनाएंगे तो 6 इंच का ऊपर रहेगा तो ये थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम बनाने वाले जो भी साइज है 9 इंच के अंदर हमने पीसेस कटिंग करके लिए है और इधर वाला जो साइज है जो इसकी विड्थ है 9.4 आएंगे। तो यहाँ पे इसी टाइप से इसको हम ज्वाइंट करेंगे। फास्ट और एकदम फास्ट बेस्ट होता है।
बच्चों से ये वाला जो ग्लू है, थोड़ा सा ग्लू को थोड़ा सा दूर रखे। भी हमारे पास में एलईडी है टोटली 15 फीट की, 5 मीटर्स की। तो यहाँ पे हम इस टाइप से हम इसको पेस्ट करेंगे। वैसा ग्लू होता है इसके अंदर, ऑलरेडी स्टिक होती है, तो स्क्वायर में इसको हमें तो बराबर से ठीक से, ये जो वाला लाइट है उसके बाजू में लाइट के हिसाब से इसको हमें तो पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने जैसा कि आप देख सकते हैं कि एलईडी को है तो टोटल यहाँ पे किस टाइप से पेस्ट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले हमने जो इसका जो स्टिक रहता, स्टिक के थ्रू है तो टोटली राउंड इसको स्क्वायर में लगा दिए। लगाने के बाद में हो सकता है कि ये है तो एलईडी है तो कभी इनकेस जो स्ट्रिप है तो निकल सकती है, तो निकलना नहीं चाहिए। इसलिए हमने सॉफ्ट वाला जो हमारा प्लास्टिक है उसके थ्रू है तो टोटली यहाँ पे हमने तो इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दिए। देखते हैं कि हमारे पास में जो हमने कवर का काम, ये हमारा कैनोपी का कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही अच्छे से हमने इसके अंदर एलईडी लाइट भी लगा दिए है। तो हम इसको एक बार मैं ऑन ऑफ करके दिखा दूंगा आपको। पास में जो हमने टैंक बनाया था, टैंक का है तो आगे ये देख सकते हैं लाइटिंग, एलईडी लाइट लगाया है जिसके थ्रू है तो आप देख सकते हैं कलर पूरे टोटली चेंज होने वाले। ये पानी के अंदर जब हम एक्वेरियम के ऊपर रखेंगे तब इसका सही लुक आएगा। तो ये हमारा कैनोपी कंप्लीट हो चुका है। हम लाइट इफेक्ट रखेंगे जो कि हमारे कलर के जो वाटर है किस टाइप से चेंज होने वाले। यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने यहाँ पे ब्लू शेड लगा दिया, ब्लू के बाद यहाँ पे हम देखेंगे ग्रीन शेड आ चुका है। और भी कलर इसमें हम कितने चेंज कर सकते हैं। रेड शेड है, बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक एकदम बढ़िया झक्कास दिख रहा है फ्रेंड्स ये। और देखेंगे येल्लो, इसी के साथ स्काई एंड पर्पल, स्काई में लाइटर स्काई लेमन कलर, और भी फ्रेंड्स इसके अंदर येलो कलर्स में यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारे पूरे टोटली हम यहाँ पे पर्पल और पर टोटल रानी पिंक विंग सभी कलर यहाँ पर इसके अंदर हम लगा सकते हैं। लगाने के बाद जो मछलियाँ हैं बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल लगेंगे, क्यूट से लगेंगे दोस्तों। ये है तो हमारे पास में टोटली लाइट, सिंगल में हम रख सकते हैं। अगर हमें टोटली डांसिंग लाइट लगाना है तो डांसिंग लाइट भी अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये टोटल डांस लाइट ऑटोमेटिकली टोटल कलर इसके अंदर चेंज हो जाएंगे। ये वाला फास्ट वाला डांस लाइट है, इसके अंदर स्लो वाला चाहिए तो हमको ये स्लो वाले में भी हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये है तो हम इसको बहुत ही ऑटोमेटिक स्लो मूवमेंट रखेंगे तो हमारे आंखों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट प्रेशर नहीं आएगा।